क्या आपने कभी 8 किलोमीटर लंबी ट्रेन देखी है या फिर रेलवे ट्रैक के बारे में सुना है जिसे बनाते वक्त 1,00,000 लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ, शायद ही कोई हो जिसने ट्रेन का सफर ना किया हो। ट्रेन किसी भी देश के ट्रांसपोर्ट का एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन आपको बता दें, दुनिया में कई ऐसी ट्रेन हैं और ट्रैक्स हैं जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं, या फिर इनकी कहानी बड़ी अजीब गरीब है जिसे सुनकर उस पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 10 अजीबोगरीब ट्रेन रेलवे ट्रैक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 1, डेथ रेलवे। देखिए, 1,00,000 लोगों की मौत का कारण बनी ये रेलवे लाइन, इसलिए इसे डेथ रेलवे कहा जाता है। इस रेलवे लाइन को बनाने का फैसला साल 1942 में जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान थाईलैंड और बर्मा को जोड़ने के लिए किया था। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान थाईलैंड पर जापानी सेना का कब्जा हो गया था, जिसके बाद जापानी सेना ने थाईलैंड के रास्ते बर्मा पर हमला कर दिया और ब्रिटिश सरकार के कब्जे वाली कॉलोनी को अपने कब्जे में ले लिया। बर्मा में अपनी सेना को बनाए रखने के लिए जापान को एक सुरक्षित रास्ते की जरूरत थी। इसी जरूरत को देखते हुए 1982 के जून में जापान ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। इसे बनाने में काफी समय लगता, लेकिन जापानियों ने इसे एक ही साल में बनाने की योजना बनाई। लिहाजा 60,000 युद्धबंदी, 2,50,000 दक्षिण पूर्वी एशियाई मजदूरों को इस काम में लगाया गया था। इस दौरान लोगों को कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाया गया, ना तो सही से मजदूरों को खाना दिया जाता था, ना ही उनके पास औजार थे। उनसे 18 घंटे काम कराया जाता था। इतना ही नहीं, अगर ये मजदूर सही से काम नहीं करते थे, उन्हें खौफनाक सजा दी जाती थी। कोई मजदूर डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से शिकार हो गया तो धीरे धीरे सभी मजदूरों की हालत बिगड़ने लगती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 415 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन को बनाने में तकरीबन 80,000 एशियाई मजदूरों, 14,000 गरीब युद्धबंदी मारे गए। रेलवे लाइन बनाने में इतने लोगों की मौत हो गई, इसलिए डेथ रेलवे के नाम से मशहूर हो गया। आपको बता दें कि थाईलैंड घूमने आने वालों के लिए बाई नदी पर बना 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे लोड पहला पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है। नंबर 2, चेन्नई रामेश्वर रेल रूट। भारत चेन्नई और रामेश्वर को जोड़ने वाला चेन्नई रामेश्वर रूट दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवेंचरस रेलवे ट्रैक में शामिल है। ये जरूर का ट्रैक है जिसे पंबन ब्रिज कहते हैं, हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है। इस पुल को 1914 में बनाया गया था। ये पुल उस समय सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता था। ये पुल सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता था जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता था। नंबर 3, फोल्डिंग अम्ब्रेला मार्केट ट्रेन रूट। क्या आपने कभी ऐसे ट्रेन रूट के बारे में सुना है जहां ट्रेन बीच बाजार से होकर गुजरती है? हम बात कर रहे हैं फोल्डिंग अम्ब्रेला मार्केट की। अब आपके मन में सवाल तो जरूर होगा कि ये कैसा नाम है। दरअसल यहां एक बेहद ही पतले रास्ते से गुजरने वाली ट्रेन की पटरी के आगे और अगल बगल सब्जियों की दुकान लगाई जाती है। जैसे ही ट्रेन यहाँ से गुजरती है, वैसे ही दुकानदार अपनी दुकान के पर्दे फोड़ करके हटा लेते हैं। ट्रेन आसानी से निकल जाती है। फिर ट्रेन के जाते ही फिर से वापस ये लोग अपनी दुकान लगा लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से ये ट्रेन इतना काफी फेमस है। ये थाईलैंड के बैंकॉक में मौजूद है। हालांकि यहाँ कस्टमर सब्जी खरीदने आते ही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा टूरिस्ट इस जगह को देखने आते हैं और इसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। नंबर 4, आसोमियानी रूट। जापान में आसोमियानी रेलवे रूट दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक है, क्योंकि ये रूट जापान के एक एक्टिव वोल्केनो से होकर गुजरता है और ये जापान के सबसे बड़े एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एश को पार करता है। ये रेलवे ब्रिज भी नाजुक लोहे से बनी हुई है। नंबर 5, मैंगलेव ट्रेन। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। जी हाँ, मैंगलेव ट्रेन की स्पीड 620 किलोमीटर प्रति आवर है। इसे सुनकर झटका लग गया ना, लेकिन ये सच है। मैंगलेव ट्रेन को दुनिया के सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कहा जाता है। फिलहाल इस ट्रेन की शुरुआत चीन में हो गई है। ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है। इसे हाई स्पीड ट्रेन को दौड़ने के लिए ना तो पहिए की जरूरत होती है, ना एक्सल बेरिंग की। नॉर्मल ट्रेन की तरह मैग्नेटिक ट्रेन के पहिए रेल ट्रैक से संपर्क में नहीं आते। फिलहाल जापान और साउथ कोरिया में भी मैग्नेट ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। नंबर 6, टर्बोजेट ट्रेन। टर्बोजेट ट्रेन ये अपने आप में ही कमाल की ट्रेन है दोस्तों। सन 1970 के वक्त टर्बोजेट ट्रेन को दुनिया का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन माना जाता था। इस ट्रेन की खासियत ये थी कि इसके सामने 2 टर्बोजेट इंजन लगा दिए गए थे,
जिसे आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में प्लेन की तरह अपने टर्बोजेट इंजन से चलने की वजह से यह ट्रेन पूरी दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई थी। यह ट्रेन 270 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी, लेकिन कुछ साल बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया क्योंकि जेट इंजन में यूज होने वाला फ्यूल काफी महंगा पड़ता था। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया और ट्रेन। दोस्तों, आपने कभी 8 किलोमीटर लंबी ट्रेन देखी है? तो देख लीजिए, इस ट्रेन को दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन माना जाता है। कहते हैं जब ये ट्रेन किसी फाटक से होकर गुजरती है तो वहाँ के लोगों को करीबन 20 से 30 मिनट तक ट्रेन के जाने का इंतजार करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली इस ट्रेन में 682 कंटेनर्स लगाए गए हैं, जिसमें बड़े लेवल पर रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपको इनमें से कौन सी ट्रेन या रेलवे ट्रैक अच्छा और भयानक लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।